पंजाब दे एडवोकेट जनरल अनमोल रतन सिद्धू ने निजी कारण दा हवाला दिंदिया इस्तीफा दे दिता है। 4 महीने पहला ही सिद्धू ने पंजाब दे नवे एडवोकेट जनरल दा पद संभालिया सी। एजी दा चार्ज संभालन तो बाद अनमोल ने कहा सी कि ओ सिर्फ 1 रुपया सैलरी लेंगे ते बाकी पैसा अमृतसर दे नशा पीड़ित परिवार नु दान करनगे। श्रोमणी अकाली दल दे वरिष्ठ नेता महेशिंदर सिंह गरेवाल ने अनमोल रतन सिद्धू दे इस्तीफे ते राज्य सरकार दी कार्यप्रणाली तो सवाल उठाए हन। पार्टी दे वरिष्ठ नेता ने कहा कि एजी दे एकदम इस्तीफे तो बाद दर्शांदा है कि सरकार विच कुछ भी ठीक नहीं है, इस नाल एजी दे कामकाज विच भी असर पाएगा। देखिए, ये जो ये 3-4 ऑफिस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एडवोकेट जनरल का ऑफिस होता है, जो चीफ सेक्रेटरी का और डीजीपी का, अक्सर जब सरकारें नहीं आती हैं तो आप ये अपने चहे तहे बंदे को इधर इन पोस्टों पर लगाते हैं। पर परेशानी और हैरानी इस बात की है कि जब ये सरकार आई तो इन्होंने पहले चीफ सेक्रेटरी को रहने दिया, 4 महीने रहने के बाद उसको एकदम बदल दिया और नए लगा दिए। इसी तरह जो पहले डीजीपी थे मिस्टर भंवरा, उनको रखा और बाद में एकदम ही गौरव यादव जी को लगा दिया। और ये अनमोल रतन सिंह सिद्धू जो एडवोकेट जनरल थे वो तो इस सरकार ने लगाए थे अपने, बड़ी सोच समझ के 5-7-10 दिन के बाद लगाए। और जिस तरह वो बिना किसी वजह के इस्तीफे की बात आ गई है, वो समझ वो मैसेज यही जाता है सब अच्छा नहीं। पर इस बात का एक सुनेहा ज़रूर जा रहा है, जो मैसेज लोगों को जा रहा है कि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में स्टेबिलिटी नहीं। कल ही परसों एक IAS ऑफिसर ने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली है। ये बातें बड़ी गंभीर हैं, जब सरकार में बड़े बड़े अफसर दरकिनार करने लग पड़े तो मैसेज यही जाता है कि सब अच्छा नहीं है सरकार में। और मैं समझता हूँ, चाहे ये सरकार का चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि जिसको चाहे वो लगा सकते हैं, परंतु जिस ढंग से चल रही है ये तहरे में और प्रश्न चिन्ह उठाती है इन बातों पर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ 8 ਵਾਰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭੂਤਪੂਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ AG ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮੇ ਪਹਿਲੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ DGP ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਰਦਾਰ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ कि जिस गैर संवैधानिक तरीके से गैर कानूनी तरीके से दिल्ली से सरकार को चलाने की कोशिश हो रही है, उससे स्टेट के जो सीनियर मोस्ट अफसर हैं उनको घुटन महसूस हो रही है। ये उस चीज का प्रगटावा है कि किस तरीके से हुक्म दिल्ली से आते हैं और नीचे जब इम्प्लीमेंट करने को बोला जाता है तो अफसरों को दिक्कत होती है। तो 3 महीने में अगर स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है तो हाल क्या है, किस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, ये सबके सामने, तो उसी का ही ये नतीजा।